देखिए मुझे भी मेरे वोट की उतनी चिंता है जितनी डॉक्टर सुधा मिश्रा को। सुधा जी बहुत बहुत सम्मान के साथ, बहुत सम्मान के साथ मेरा सवाल बस इतना है, मुझे नहीं मतलब है बीजेपी से, मुझे मतलब है मेरे वोट से, मेरे वोट की प्रिवेसी से कि मैं किसे वोट दे रही हूँ और वो कहीं गलत जगह तो नहीं चला जा रहा है, कहीं किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है। अगर ये वाकई में संभव है तो मैं खुद आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, मैं चाहूंगी कि उसको प्रूफ करके कोर्ट के अंदर साबित किया जाए। सरकार ने लोगों के मोबाइल के डाटा, आप सुनती है ना, हाँ? बहुत से ब्रांड है जिन्होंने कहा था डाटा चोरी नहीं होगा, लेकिन वो बाद में उनका आता है कि हो भी सकता है। मशीनों से किस तरह से जो ईवीएम मशीनें बना रहे हैं ना, उसमें भाजपा ही है, ये क्या मैं बता रही हूँ? तथ्य है कि नहीं, जहाँ मशीनें बन रही है हम कैसे कराएंगे? सरकार में कौन है, व्यवस्था में कौन है? आप तो जब सरकार में आती ही आप लोग, आपकी पार्टी इसीलिए लिखा हुआ है क्लैरिटी के लिए कि संशोधन बेहतरी के लिए हम ये करेंगे, कह तो रहे हैं कि जब मिलान होगा तो बराबर होगा ना, कह तो ही रहे हैं हम तो ही। लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती हूँ, अपने देश का, वो चौथा स्तंभ है जो देश के लोकतंत्र को बनाता है, लेकिन फिर भी अगर मेरा मत, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है, तो मेरे मत की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये लोग मैचिंग की बात कर रहे हैं। आशुतोष शर्मा जी, आपने सुना डॉक्टर सुधा मिश्रा को, वो कह रहे हैं कि जब हम आएंगे उसके बाद हम फैसला करेंगे। देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मान करते हैं तो इस मुद्दे पे विराम लगा देना चाहिए, इस पे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की आप आपत्ति लगा रही है ईवीएम मशीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि इसमें हेराफेरी की कोई संभावना नहीं है, और फिर भी अगर किसी को डाउट है तो इसके खिलाफ आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, उसकी काउंटिंग आपके सामने दोबारा की जा सकती है। तो आपके सारे शख्स पे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है, यानी कि अब तो आश्वस्त हैं। अब आप आश्वस्त होकर के आगे मुद्दे काम के मुद्दे पे आइए कि जो चुनाव में मुद्दे हैं जनता के लिए, क्या कौन सी पार्टी क्या करना चाह रही है, अगर वो सत्ता में आती है तो जनता को वो क्या देने के लिए जा रही है। ठीक है, और जब निगरानी की बात कह दी गई है, मैचिंग की बात भी कह दी गई है, 45 दिनों तक एसएल को सील करने की बात कह दी गई है, तो क्या अब तो कॉन्फिडेंस आया होगा, अब तो आश्वस्त होंगे आप लोग जयंत जिज्ञासा जी कि इससे बाहर निकली है? और अगर गड़बड़ी हुई तो जांच करवा ली जाएगी, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। जयंत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 100% मिलान से किसको भय, और आप कह रही हैं कि तकनीक, और बाकी लोग कह रहे हैं कि तकनीक बहुत विकसित हो चुका है, तो दुनिया के तमाम विकसित देशों को चलाने वाले, चुनाव कराने वाले, वहां के इलेक्शन कमीशन में बैठे लोग सब बेवकूफ हैं, और हमारे यहाँ ही सबसे प्रबुद्ध लोग हैं। आप और दूसरा बैलेट पेपर, मेरी बात तो आप पूरी हो जाने दीजिए श्रीमंत, मैं कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर के जरिए भी जब चुनाव होते थे उस समय भी बहुत सारे दबंग लोग अपने घर में ही बूथ चलाते थे, वहीं पर पोलिंग स्टेशन होता था, और बिहार में तो एक ऐसा मामला था कि एक दलित को वोट डाले जाने पर हाथ काट दिया गया, 60 के दशक की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में ये सवाल बीएन मंडल जी ने उठाया था, सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। हम ये कह रहे हैं कि मशीन के साथ मैनिपुलेशन संभव है ही, इकबाल बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, अहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, ये इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो हम हुकूमत लाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म कराना चाहते हैं, दुनिया के अधिकांश देश इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाते हैं। अरे 5 दिन काउंटिंग होगा, मैनिपुलेशन संभव है तो खत्म करवा दीजिए ईवीएम का पूरा का पूरा सिस्टम हिंदुस्तान हम के अंदर। कह तो रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनने जा रही है, हम इस चुनावी प्रक्रिया में जो भी मैनिपुलेशन की गुंजाइश आशंका है हम इन सब को दुरुस्त करने जा रहे हैं।